उसकी जान नहीं बच पाई। ये हमारे लिए जो आज के समय पर हम जो लोग समाज में रह रहे हैं, हमारे लिए ये काला दिवस है कि एक बेटी जो न्याय मांग रही थी हमसे न्याय नहीं दे पा रहे। और ये उत्तर प्रदेश की और इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली घटना नहीं है। याद कीजिए वो समय जब मुख्यमंत्री आवास के सामने बेटी आकर करके अपने लिए न्याय मांग रही थी, न्याय नहीं मिला उसको, उसे आत्मदाह करने की कोशिश करनी पड़ी, तब जाकर के FIR लिखी गई। और याद करिए वो घटना जब बाराबंकी की बेटी यहीं पर आई थी मुख्यमंत्री आवास में, उसने भी आत्मदाह किया और बाद में उसकी जान नहीं बची। उन्नाव की बेटी, उसने एक ने तो पूरा परिवार खो दिया। कौन दोषी था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी थी। और ये भी बेटी जिसकी जान गई है आज, उसके भी दोषी कोई है तो सरकार, क्योंकि सरकार की जानकारी में था। और जिन लोगों पर आरोप लगे हैं, क्या बेटी भागी हुई होगी? भागी वो बिचारी, जब उसका पूरा शरीर जला था उस समय भागी वो, और वो इसीलिए भागी के गुहार कर रही थी कि उसकी कोई मदद करे। क्या आज के युग में इस तरह की घटना होगी कि जिंदा जला देगा कोई? और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले दिन से दावा कर रही है कि कानून व्यवस्था ठीक होगा, कानून व्यवस्था पे लगाम कसी जाएगी। क्या आपने मुख्यमंत्री की भाषा नहीं सुनी? इसी सदन में उन्होंने कहा था, इसी सदन में, कि अपराधियों को ठोक दिया जाएगा, जो अपराध करेंगे वो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले गए, छोड़ के भाग गए। लेकिन क्या वजह है, क्या वजह है, क्या कारण है कि अपराधी यहीं पर हैं? जो बात सदन में कही गई हो, जो बात मंचों से कही गई हो, और उस मुख्यमंत्री ने कहा हो जिन्होंने शपथ ली हो संविधान की, और बताओ संविधान की शपथ के बाद एक बेटी की जान नहीं बचा पाई सरकार? किस मंच पे नहीं सरकार ने कहा कि हम बेटियों की इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो है ना, बेटियां सुरक्षित हैं ना, उनका सम्मान सुरक्षित से सड़क पर है। और अगर कहीं न्याय भी मांगने जाएं या सुरक्षा की वार करें, तो उन्हें न्याय और सम्मान और सुरक्षा नहीं मिले। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर, और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।